राजस्थानी कांजा बड़ा। आज राजस्थानी कांजा बड़े की रेसिपी, हमारी माताजी बहुत अच्छा राजस्थानी कांजा बड़ा बनाती है, आज हम सीखेंगे इनसे कि राजस्थानी कांजा बड़ा कैसे बनाया जाता है। बताइए कांजा बड़े के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। पहले जो गैस पर थोड़ा सा छाना या कोयला सिलगाओ। देखो थोड़ा सा कोयला या छाना जो है, ये क्या सिलगाया आपने? छाना सिलगाया। ये छाना जो है इस तरह से देखिए, जो गोबर का जो छाना होता है या कोयला भी आपने बिल्कुल सिलग जावे, नहीं सिलग जाना चाहिए। और ये पानी गर्म करना, एक भगोनी आपको पानी गर्म करना है। ठीक है, देख लीजिए आप एक भगोनी, ये पानी गर्म हो रहा। और क्या क्या सामग्री चाहिए? और ये इसमें मट्टी के बर्तन पे छाना रख के, मट्टी के बर्तन पे देखिए ये दीपक में छाना रख दिया ऐसे, छाना रख के और ये घी डालते हैं। ये थोड़ा सा घी डालेंगे इसमें, देखिए धुआं उठने लग गया। घी और हींग, घी और हींग, देखिए घी और हींग जो है, ये थोड़ी सी हींग इस पर डाल देंगे। ये हींग डाल, ये क्या चीज है? ये राई है। और ये इसमें जो है, ये ऐसे एक बरनी इस पर उल्टी रख देंगे वापस। एक बार उठाइए इसको, ये देखिए ये धुआं इसमें इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें इकट्ठा होने दीजिए। और मसाले में आपको क्या क्या चाहिए? राई चाहिए, काला नमक चाहिए। देखिए ये काला नमक है और ये राई है, सौंठ है। ये सौंठ है, सौंठ का मतलब जो अदरक जो होती है उसे सुखा कर उसका पाउडर बनाया जाता है, ये सौंठ है। ये काला नमक है और ये राई है, ये राई है, इसको आप मिक्सी में पीस कर ऐसा पाउडर बना, और थोड़ा सा सादा नमक भी इसमें, थोड़ा सा सादा नमक। ये देखिए ये सादा नमक रख रहे हैं माता जी, ये थोड़ा सा सादा नमक रख रहे हैं। ये तो ये हो गया सादा नमक, ये हो गया काला नमक और ये हो गया सौंठ और ये है पीसी हुई राई, पीसी हुई राई है। अब इसको आप थोड़ी देर में इसकी धुआं हींग की, ये जो है इसमें इस बर्नी में आपको भर देनी है, धुआं भर देनी है। धुआं भरते ही इसको सीधा करके ढक लगा के गर्म पानी डाल देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अभी धुआं भरने देते हैं, फिर थोड़ा इंतजार करते हैं। कितनी देर रखना पड़ेगा इसको? दो तीन मिनट इसको आप ऐसे रखिए। हमारे घर में राजस्थानी कांजा जो है दीपावली के समय डाला जाता है, और शीतला माता पर, खासकर शीतला माता पर होली के बाद जो शीतला माता का पूजन किया जाता है, तो उस दिन ठंडा खाना खाया जाता है। दो दिनों तक ठंडा बासी खाना खाया जाता है, जिसे बासोड़ा कहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और राजस्थान में खासकर आपको हर घर में आपको जो है ये रेसिपी जो है बनाई जाती है। ये कांजा बड़ा इसे कहते हैं, कांजी बड़ा कहते हैं कई लोग। इसमें बड़े बनाए जाते हैं उड़द के दाल के और थोड़ी मूंग की दाल मिलाकर, और बड़े बनाए जाते हैं फीके बड़े, मसाला नहीं डालते ना उसमें, फीके बड़े जो है इसमें उसमें डाले जाते हैं। तो वो बड़े अलग से बनाए जाते हैं। अभी आपको पानी बनाने का तरीका बता रहे हैं। उसमें जब आप बड़े बना के उड़द की दाल को भिगो के सुबह जो है, रात को भिगो के सुबह उसको पीस के मिक्सी में, और उसके पकोड़े जैसे बड़े बनाने हैं आपको, और वो इसमें डालने हैं, कम से कम एक दिन तक इसमें डाल। मेन जो होता है इसका पानी बनाने का तरीका होता है। अब देखिए इसे इस थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा, ये आपको एक प्लेट जो है इस पे जो है ढकनी पड़ेगी। तो ये इसको सीधा करते ही अब बता रहे हैं हमारे माता जी अगला स्टेप क्या है, इसे सीधा करेंगे। देखिए ये सारा धुआँ इसमें भर गया है, और इसे तुरंत जो है ढक देंगे इस तरह से। और जैसे ही आप ढकेंगे इसमें, ये पानी जो है, गर्म पानी जो हमने किया है, तो सारा गर्म पानी इसमें डाल के और तुरंत ढक दिया है, मतलब इसका धुआं जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए, ताकि ये पानी में खुशबू हो जाए। ये ठंडा पानी डाला आपने अभी तो, है ना? ठंडा पानी डाला ना अभी तो? हाँ भी, ये अभी ठंडा पानी डाला। पहले आप ठंडा पानी डाल लीजिए, और उसके बाद में ये दूसरी, इसी धुएं से ये दूसरी और तैयार हो रही है अभी, इसमें बता रहे हैं। और ये गर्म पानी जो गैस पर हमने रखा हुआ है, थोड़ा गर्म जब हो जाए तो एक जो है, ये देखिए गर्म पानी जो है, उबलता हुआ पानी इसमें डाल दें, ये फिर से इसे ढक दिया जाएगा इस तरह से। अभी ये सारा इधर दिखाओ, ये सारा जो हमने मसाला लिया है, नमक, काला नमक और सौंठ, ये इसमें हम देखिए इसमें सारा इसमें डाल दिया। ये राई कितनी ली आपने? 100 ग्राम राई लेनी है, और स्वाद अनुसार नमक आपको लेना है। नमक आप बाद में भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन राई जो है आपको 100 ग्राम कम से कम। ये राई इसमें डाल दी गई है इस तरह से, देखिए ये थोड़ी राई किस लिए निकाल ली अलग से, ये दूसरा जो बर्तन है इसमें डालेंगे। ये देखिए इसमें अभी क्या करना है, बस अब इसको थोड़ी धूप में, गर्माश में रखेंगे, धूप में रखेंगे इसे। तो अब इस बर्नी को आपको धूप में रख देना है। कितने दिन तक धूप में रखना रहता है इसे? बस कल लगभग 24 घंटे इसे आप धूप में रखेंगे, तो ये पानी बड़ा ही टेस्टी हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। इसके बाद में आप इसमें जो है बड़े बनाएंगे, वो बड़े इसमें आप डाल देंगे।
बड़े डालने के बाद बड़े सॉफ्ट हो जाएं इसके लिए कम से कम 24 घंटे बड़ों को भी पानी में रखना है, तो लगभग 48 घंटे जो है इसमें लगते हैं। यदि आप आज ही इसमें बड़े कब डालते हैं, ठंडा मतलब खट्टा होने के बाद में, पानी खट्टा होने के बाद 24 घंटे के बाद इसमें बड़े डाले जाते हैं, तो कुल 48 घंटे कम से कम इसे पूरा तैयार होने में लगते हैं। दो दिन में ये तैयार हो जाएगा। हमारे माता जी गुंजिया बहुत अच्छी बनाते हैं, दीपावली पर गुंजिया बहुत अच्छी बनाते हैं, और शीतला माता पर भी हमारे यहाँ घर में गुंजिया बनाई जाती है। यदि आपको माता जी के हाथ की गुंजिया की रेसिपी भी जाननी है तो आप अपने कमेंट जरूर छोड़ें। आप पर्याप्त मात्रा में यदि कमेंट मिलेंगे तो माता जी सिखाएंगे। आप इधर देखिए, हाँ जी मैं सिखाऊंगी गुंजिया बनाना। गुंजिया बनाना सिखाएंगे हमारे माता जी। स्वादिष्ट होती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और जो भी घर पर आते हैं उन्हें सबको जो है गुंजिया बहुत पसंद है। तो यदि आप लोग भी गुंजिया सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए अपने, और इस वीडियो को लाइक करने के लिए बोलिए। आप बोलिए पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है जी। पसंद आए यदि आपको तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। और ये हमारी किचन है, ये हमारा रसोई घर है, देख लीजिए आप, छोटा सा रसोई घर है, और इस मिक्सी में हमने जो है पिज़्ज़ा है। चलिए ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो, इस तरह की और रेसिपीज आप जानना चाहते हो मेरी माता जी के हाथ की, तो ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आया है तो। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए इसी तरह की और रेसिपीज़। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।